घर तो बहुत बड़ा है और है भी शहर के बीच में। यहाँ पर हमारे सारे काम आसानी से हो जाएंगे। पर ये है किसका? नदीम के मालिकों का है। बड़े अरसे से मुल्क से बाहर होते हैं वो लोग। चाबी नदीम के पास है, इसीलिए अब ये घर हमारे काम आएगा। इराज बोल, जा जाके नदीम से अपनी अमानत ले आ। तब तक हम यहाँ पे सोने और बैठने की जगह बनाते हैं। और हाँ सुन, जरा ध्यान से। गाड़ी रोको। असलर। यस सर। देखो इन बुजुर्गों के साथ क्या मसला है। राइट सर। थक गए हो? नहीं सर, बस ऐसे ही। वैसे भी इस पूछगिछ का आज कोई फायदा नहीं हुआ। मुदई ज्यादती कर रहे हैं, उस गरीब का नाम खामखा पर्चे में डाल दिया। बस सर, शरीका फिर ऐसे ही करता है ना। ये तो है। और फिर लोग कहते हैं कि पुलिस ठीक तरीके से काम नहीं करती। न्याजी। यस सर। देखो ये असगर क्या सिलाई पड़ गया बुजुर्गों के साथ। जी बेहतर। जी अस्सलाम वालेकुम। आप अभी तक आए क्यों नहीं? आ रहा था, बस रास्ते में रुक गया हूँ, पहुंच जाता हूँ अभी। बच्चियां कब से आपका इंतजार कर रही, और आपको पता है जाते जाते भी रास्ते में एक घंटा लगना है, और अभी आपने खुद आकर भी तैयार होना है। ओह बेगम, मैं आ रहा हूँ। तुम्हें तो पता है कि पहली मरतबा थोड़ा ही ऐसा हो रहा है। देख लें, ऐसा ना हो कि हम इंतजार करते करते घर रह जाए और वहाँ फंक्शन शुरू हो जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। वैसे भी आजकल फंक्शंस लेट ही स्टार्ट होते हैं। ऐसा करो, आप लोग तैयार हो जाओ, मैं आते ही बस 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। चले ठीक है, लेकिन जरा जल्दी आ जाइए। हाँ हाँ, मैं आ जाता हूँ। मैं करता हूँ बाद में फोन तुम्हें, ठीक है? खुदा हाफिज। क्या कर रहा था ये? सर बुजुर्गों का बच्चा बीमार है, उन्हें दवाई लेने शहर जाना है, बस वगैरह का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे करो, इनको गाड़ी में बिठा लो, पता नहीं इनको कब गाड़ी मिले और बच्चे की तबीयत खराब है। बिठाओ उनको जल्दी। सब एकदम जबरदस्त है। अगर ये जबरदस्त ना हुआ और मौके पे ना चला तो हम सब की लाशें निकलेगी वहां से, याद रखना। ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं जी सर। चाय पीने को दिल चाह रहा है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे इतनी हसरत से देख रहे हो, आओ पी लेते हैं, वैसे भी काफी लंबा सफर करके आए हैं। सर वो घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे यार, तुम लोग भी तो मेरे बच्चे हो। चलो आओ, उतरो भाई। अम्मी, इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अब्बू आएंगे। सब कॉल कर करके पूछ रहे हैं, भाई होते ना तो ले जाते, जबकि वो इंग्लैंड गए, कसम से कोई काम नहीं हो रहा। तुम्हें पता तो है अपने अब्बू का, बस आ रहे होंगे। आप मामू को कॉल कर दें, वो हमें आकर ले जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तुम्हारे अब्बू ने जाना है, इतनी अहम शादी है, वो कैसे छोड़ सकते हैं? सुबह खुद तो वो कहकर गए। मुझे तो सुबह ही पता चल गया था, या तो हम लेट हो जाएंगे या फंक्शन अटेंड ही नहीं कर सकेंगे। ओहो, तो आपको सब कुछ पता चल जाता है। अम्मी, आप कभी अब्बू की इस बात से खफा नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं। खानदान की हर खुशी और गमी पर मैं हमेशा अकेली ही गई हूँ। तुम्हारे अब्बू तो बस अपनी हाजिरी लगवाने आते थे, वो भी अपनी वर्दी में। मजाल है
कि कहीं 5 मिनट से ज्यादा बैठ जाए। तुम जानती तो हो अपने अबू को। हाँ वो तो है। अम्मी यूं तैयार होकर वेट करना ना कसम से मुझे बहुत बोर करता है। अच्छा बोर ना हो, ठीक है आराम से बैठो, मैं तुम्हारे अबू को दोबारा फोन करती हूँ। अच्छी बनाता है जी सर। इसकी आवाज क्यों कम कर रहे हो सर? शोर आ रहा था इसलिए। कोई इमरजेंसी कॉल भी हो सकती है, आवाज खोलो इसकी। देखा, इसलिए मैं कह रहा था आवाज कम मत करो। हरी आप, हरी आप पहुंचो गाड़ी में, ले लो पैसे। बेटा मुझसे पैसे नहीं लोगे तो अपने बच्चों को कैसे पालोगे? पकड़ो पैसे। अरे आप ये क्या कर रही हो? देख नहीं रही, तुम्हें तो पता मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। अब गुजारे के लिए कुछ तो करूं, अबू ने पता नहीं कब आना है। आने वाले हैं, तुम भी ना। तुम भी खा लो, बाद में ना कहना। मुझे नहीं लगता अबू टाइम पे आएंगे। अच्छा आप कपड़े ना खराब कर लेना। बेटा उठो जल्दी करो, तुम्हारे मामू हम लोगों को लेने आ रहे। क्यों अबू नहीं आ रहे? नहीं उनका फोन आ गया था। खैरियत है ना? हाँ हाँ खैरियत है, उनको कोई जरूरी काम पड़ गया। पहले ही पता था, ये तो होना ही था। अच्छा अच्छा ये बहस बंद करो, तुम्हारे मामू आने वाले हैं और अभी घर भी बंद करना। चलो चलो शाबाश, उठो जल्दी आओ निकलो। मेरे ख्याल में हमें सारी जगहों को चेक कर लेना चाहिए फिर कार्रवाई डालनी चाहिए। तो ठीक कहता है, एक बार फिर से सब कुछ चेक कर लेना चाहिए। मेरी मानो तो कोई ऐसी जगह देखो जहां पे रश कम हो। जगह ऐसी हो जहां पुलिस को आने में टाइम लगे लेकिन हमें वहां से निकलने में टाइम ना लगे। ये कौन सी मुश्किल बात है, कल ही देख लेते। पर उस्ताद काफी दिन हो गए हैं, कोई प्रोग्राम नहीं बना। पहले काम करेंगे फिर कोई प्रोग्राम। खाली जेब और खाली खाद, कौन सा प्रोग्राम करेगा तू? ओ यार कभी हमारे बारे भी सोच लिया कर। मैंने कौन सा मना किया? जाओ जाकर ले आओ सामान। लो फिर अभी गए और अभी आए, ये कौन सी बात है? जी सर पहले उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की है सर, मेरा एक सिपाही शदीद जख्मी हुआ है और आईसीयू में है जी। जी सर डकैती करके आ रहे थे। जी सर बेहतर सर, चलो तुम। एसपी साहब का फोन था, सारी तफसील मांग रहे थे। कोई मसला नहीं अभी भेज देते हैं। वैसे सर अगर आप वक्त पर ना आते तो पुलिस का जानी नुकसान हो जाना था। सजाद मुझे एक बात समझ नहीं आती कि उनके पास इतना असलाह आया कहां से, सारी रात अंगेज किए रखा है उन्होंने। सर ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा कि कहां से लाए हैं। फिर भी तुम होशियार रहो और चेक करो। और हाँ उनकी लाशों का पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं? सब इंस्पेक्टर अल्लाह देता गया हुआ सर, अभी रब्ता करके रिपोर्ट ले लेता हूँ। ठीक है जो ही रिपोर्ट आए मुझे इतला करो, मैं जरा घर से फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है। लेकिन सर वो गुजरों के केस का क्या करना? कुछ नहीं करना उनका। सर बार बार सियासी शख्सियात के फोन आ रहे हैं। आने दो सज्जाद, उनका काम है फोन करना और हमारा काम है उनका फोन सुन लेना, लेकिन हमने करना वही है जो कानून कहता है। बाकी अदालत का काम है, वो जाने और गुजर साहब जाने। ठीक है सर। लगता है आज कुछ ज्यादा ही थके। नहीं बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। खैर तुम बताओ रात फंक्शन ठीक था? जी ठीक रहा,
लेकिन आपकी लाडलियां आपसे बहुत नाराज हैं। इनकी बड़ी बहनों का भी यही गिला था अपने बाप से, और इनको भी यही है। वैसे ये कोई गिला नामुनासिब तो नहीं। मैं मानता हूं कि एक बाप को औलाद के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहिए, लेकिन क्या करें, ड्यूटी ऐसी है। और किस बाप का दिल नहीं चाहता कि अपने बच्चों को हंसता मुस्कुराता खेलता हुआ देखे, लेकिन हम पुलिस वाले, हम तो अपने बच्चों के बचपन का पहला उठता हुआ कदम भी नहीं देख पाते, और ना ही जवानी में भागते हुए। और जब हम रिटायर हो जाते हैं, बच्चों के पास वक्त ही नहीं होता। आपने तो बड़ी बेटी की शादी पे भी सिर्फ 3 छुट्टियां ली थी, और वो भी ये कहकर कि ये मेरी सर्विस में सबसे ज्यादा छुट्टियां। बस वर्दी और ड्यूटी की आदत हो गई है, खून में रच बस गई है। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मेरे जहन में ये ख्याल आया हो कि मुझे कभी इस ड्यूटी और वर्दी को छोड़ना भी है। चाय अच्छी है। वापसी पर हमें इस गली से गुजरना है, क्योंकि ये गली खाली रहती है। अगर वक्त से लेट हुए तो इस गली में स्कूल के बच्चों का रश हो जाएगा। जो भी करना है ठीक वक्त पर करना है। डीएसपी साहब, आपकी रिटायरमेंट का टाइम है सर, इसके बाद क्या करने का सोचा? अरे करना क्या है जनाब, पहले सरकार की नौकरी करते थे, अब जनाब की करेंगे। रहने दो, आप फिर कोई ना कोई मसरूफियत ढूंढ लेंगे। नहीं, इस वक्त तो मैंने काफी प्लानिंग की है, और इस वक्त तो कोई मसरूफियत नहीं होगी। हमें भी पता चले, ऐसी कौन सी प्लानिंग्स है? भाई सबसे पहले तो लंबी सैर पे जाएंगे, जो जगह नहीं देखी वो देखेंगे, आपको टाइम देंगे, बच्चों को टाइम देंगे, बल्कि बच्चों के बच्चों में उनका बचपन तलाश करूंगा। सोच तो बहुत अच्छी है आपकी। बस अब तो यही सोच है कि हमजा की शादी कर दी जाए, उसके लिए अच्छा सा रिश्ता भी देखना है। वैसे आपने इकलौते बेटे को ऐसे लंदन भेज दिया, पता है आपको मुझे उसकी बहुत याद आती है। अरे बेगम, रोज तो तुम अपने बेटे से बात करती हो। वैसे भी आजकल के दौर में घर वाले दूर और दूर वाले करीब हो चुके हैं, और फिर कुछ ही दिनों की बात है हमजा ने आके फिर हमारे साथ ही तो रहना है। खाना खाएंगे? क्या बना रही हैं? वही जो आपने कहा था, आपकी फेवरेट डिश करेले गोश्त। नहीं खा सकूंगा, थाने में बहुत काम है। मैं तो घर फ्रेश होने के लिए आया था, कल रात हमारा एक साथी जख्मी हो गया था, उसकी अयादत के लिए जाना है, और फिर एक पार्टी को बुलाया है, कुछ तफ्तीश करनी है। वो किसी गरीब को अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके रगड़ना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चले ठीक है, जब आएंगे तब खा लीजिएगा। जी जो हुक्म जनाब का, मैं जाऊं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सबसे पहले हमें एक गाड़ी चोरी करनी होगी, फिर हम उस गाड़ी की नंबर प्लेट तब्दील कर देंगे, ताकि जब हम गाड़ी लेके निकलें तो पुलिस को हम पर शक ना हो, और ना ही कोई शहर में गाड़ी को ट्रेस कर सके। फिर उस गाड़ी की सीट के नीचे हमें असलाह छुपाना होगा, ताकि आसानी से पकड़ा ना जा सके, और उसे उस वक्त इस्तेमाल किया जा सके जब उसकी सख्त ज़रूरत हो। क्या समझे? लेकिन बैंक में जाकर हम करेंगे क्या? बैंक हमने देख लिया है, हमें बैंक में दाखिल होना है, वहां बैंक के हमले और वहां पे मौजूद लोगों को यरगमाल बनाना है। तो ऐसे काम खराब नहीं होगा? नहीं, हम उन लोगों को अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई मार मरा गया तो? वो बात का मसला है, हमें सिर्फ अपने काम से काम, हमें दूसरों की जान से कोई लेना देना नहीं। और वैसे भी कल को अगर हम ना बचे तो दूसरों की जान बचाकर क्या करेंगे? क्या था तो ठीक ही रहा है।
तो भी ठीक है, कल दोबारा जाओ चनाब नगर और देखो वहां पुलिस के क्या इंतजाम। फिर तो हमें फौरन एक्शन ले लेना चाहिए। अभी नहीं, पहले एक दो दिन में गाड़ी का बंदोबस्त करो और तुम निगरानी करो। ये कौन सी बात है, गाड़ी का रेंज में काली किए देता हूँ। जिस दिन हमारे इंतजाम पूरे हो गए उसी दिन कार्रवाई डाल देंगे। उस दिन आप रुके नहीं जनाब, हमने आपके लिए खाने का बंदोबस्त किया हुआ था। शेख साहब आपको तो पता है कि हमें कितना काम होता है, सारा दिन भाग दौड़ में गुजर जाता है, वैसे भी मैं खाना कम ही खाता हूँ। हमने तो पुलिस वालों को बहुत खाते हुए देखा है। ऐसा नहीं है जनाब, अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सबको एक जैसा समझें। ऐसे ही बात कर रहे हैं जनाब, इसकी मजाक करने की आदत है। अच्छी आदत है, लेकिन सब जगह एक ही आदत नहीं चलती, कभी कभी काम खराब भी हो जाता है। छोड़े जी इस बात को, मिट्टी डाले, आपको एमपीए साहब ने फोन किया था? जी किया था। हमने उन्हें कहा नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद ही पूछा, खुद ही कह दिया कि आपको फोन कर देंगे। नूर नबी तुम खामोश बैठो ना, मैं कर रहा हूं ना डीएसपी साहब से बात। बस इसके बाद कोई सिगरेट नहीं, कोई नशा नहीं, अब काम पूरा करके ही जश्न मनाएंगे। सर सारा वकूआ आपने देख लिया, तमाम शहादतें उनके खिलाफ हैं, तो फिर आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? शेख साहब आप मुझे मशवरा दे रहे हैं या मुझे मेरा काम बता रहे हैं कि मुझे क्या करना है? क्या मतलब है जनाब? मतलब ये कि यहाँ पे वही होगा जो मुझे कानून के मुताबिक ठीक लगेगा, और रही गवाहों की बात, वो सब तो आपके मुलाजिम है, जबकि हकीकत ये है कि शेख जहूर के साथ आपकी शरीकेबाजी। दूसरी बात, वो एक गरीब बंदा है, उसका बेटा एक फैक्ट्री में अकाउंटेंट की नौकरी करता है, और वकुआ के दिन वो अपनी नौकरी पे मौजूद था, ये बात हमारे इल्म में आ चुकी है। शेख साहब शेख जहूर की इतनी औकात नहीं कि वो ऐसा कर सके, और हाँ जो आपकी जमीन की बात है उसकी एक छोटी सी पैली है उस जमीन के साथ, और जब तक आप वो पैली खरीद ना लें आप अपनी जमीन किसी और पार्टी को नहीं बेच सकते। आप ये सब इसलिए कर रहे हैं कि आप उस पर दबाव डालें और अपना काम निकलवाएं। वाह जनाब, सारा इल्जाम हम पे डाल दिया जनाब। मेरी तहकीक, पुलिस ट्रेनिंग और तजुर्बा मुझे यही बताता है, इसके अलावा कोई बात है तो आप मुझे बता दें। हमने तो आपको बता दिया है, लेकिन आप ना सुनते हैं ना मानते हैं। शेख साहब अगर आपने मेरा रिकॉर्ड चेक किया होता तो शायद आप ये बात ना करते, और अगर आपने ये बात दोबारा की तो मैं मजबूर हो जाऊंगा कि आपसे सख्त लहजे में बात। ऐसा भी नहीं होता डीएसपी साहब, यहाँ बड़े आए और चले गए, हमारा क्या, हम तो एमपीए साहब को कह देंगे कि इस दफा वोट नवाज साहब से ही लें। देखिए शेख साहब जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ ऐसा मुमकिन नहीं है, आप मेरा तबादला करवा दें या कोई और राह देख लें, ये मुमकिन नहीं। ठीक है फिर, जैसे आपकी मर्जी। चाय पियेंगे? उस दिन आपने हमारा खाना नहीं खाया, हम आपकी चाय पी कर क्या करेंगे? चाय तो हम एमपीए साहब के पास जाके पियेंगे। जब आप एमपी साहब के पास चाय पीने जाएं, तो मेरा सलाम दीजिएगा। पापा मुझे भी। नहीं बेटा आप बाबा थक गए, अब कुछ और। हाँ बाबा फिर आग में चले गए। हाँ तो पहले कौन बारी देगा? मैं। चलो ठीक है, आंखें बंद। ओके इधर हो गया मुंह, चुप जाओ, मैं 5 तक काउंट करूंगा। 1 ओके 1 2 3 4 5
5, 6, मैं आ गया। ही ढूंढता हूँ इधर। ये आ गया। अभी नहीं। कहाँ चले गए बेटा? मेरे खुदा, कहाँ चले गए? हमजा! नवाज, नवाज, क्या हुआ? मैं पानी देती हूँ आपको। मैंने एक ख्वाब देखा। मैंने कैसा ख्वाब? बहुत अजीब ख्वाब, जिसमें तुम और बच्चे मुझसे दूर जा रहे हो। शायद मैं तुम लोगों से दूर जा रहा हूँ। या अल्लाह खैर, मैं सुबह उठते ही सदका देती हूँ। ख्वाब मैंने पहले कभी नहीं देखा, कभी देखा ऐसा ख्वाब। आप बहुत थक गए, आपको आराम की जरूरत है। ऐसा करें, आप सो जाएं। आपकी रिटायरमेंट का टाइम है सर, इसके बाद क्या करने का सोचा? अरे करना क्या है जनाब, पहले सरकार की नौकरी करते थे, अब जनाब की करेंगे। चल, कोई नहीं लेगा, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो वो हाथ ऊपर, सबके हाथ ऊपर। गाड़ी मोड़ो, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, ऊपर चला, कोई हरकत नहीं, कोई चलाकी नहीं। ए, इस बैग को खोल और सारा पैसा इस बैग में डाल, जल्दी नीचे नीचे, अबे ऐसे नीचे, बढ़िया बैठ जाए,
चल तू भैया बैठो भैया। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, कोई हरकत नहीं चाहिए। हाथ ऊपर नीचे बैठ। जल्दी कर, पैसा डाल जल्दी। बाजे, पुलिस आ गई। पुलिस नहीं। पैसे निकाल जल्दी। सर क्या सूट हाल है? सर तीन डाकू, एक अंदर है और दो ने हमें आता देख के फायरिंग की और भाग गए। हमारे जवान गए उनके पीछे। और अंदर की क्या सूट है, कुछ अंदाजा है? सर इसने हमले को जल्द माल बनाया हुआ, एक दो कस्टमर भी हैं अंदर। हमें उनकी ज्यादा फिक्र करनी चाहिए, वो ने कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वैसे तुमने इससे बात करके एंगेज करने की कोशिश की है? नहीं सर। अभी जवानों से कहो कोई फायर ना करे, मैं देखता हूँ। जी ठीक है सर। देखो अभी फायर किसी ने नहीं करना। सर हमारी तैयारी मुकम्मल है। ठीक है, मैं गेट तक जाता हूँ, इससे बात करने की कोशिश करता हूँ। सर जो लोग अंदर मौजूद हैं वो ज्यादा है। मैं डीएसपी नवाज बात कर रहा हूँ, उससे बात करो। देखो ऐसी कोई हरकत मत करना। कोई अपनी जगह से नहीं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारा कोई ज्यादा नहीं की जाएगी। देख का इधर, जो भी तुम्हारे शिक में है वो तुम लिए जाएंगे। अगर कोई भी हिला वैसे भी तुम यहाँ से बाहर नहीं सकते। हमने तुम्हें चारों तरफ से कॉन्ट्रोल किया हुआ है और हमने तुम्हारे दो साथियों को पकड़ भी लिया है। कैसे है तुम्हारे साथी जो तुम्हें मौत के मुंह में छोड़ के भाग गए? मैं कहता हूँ आगे मत आना। अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। आगे मत आना नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुमसे कानून के मुताबिक। सर अब ठीक है, गाड़ी भगाओ, गाड़ी जल्दी करो।